फिल्म की कहानी और इसके किरदार काल्पनिक है। ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन को ध्यान में रखकर लिखी गई है, जबकि जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, आत्माओं का हकीकत की दुनिया से कोई संबंध नहीं है। दर्शकों को सद्बुद्धि देने और उनके मन से अंधविश्वास को मिटाने के लिए ही इस फिल्म का निर्माण किया गया है। इसे सच्चाई न मानकर सिर्फ लेखक की कल्पना ही समझे। धन्यवाद। यार शिवा बोर करता है, एक तो सुबह सुबह जगा दिया और ऊपर से बोलता है इंतजार करो। ए बिड़ू, वो करते करते भी एक घंटा बीत गया है, पर उसका नामो निशान ही नहीं, कोई पता ही नहीं। लगता है गच्चा देगे, आज नहीं आने वाली हो। अरे आएगी यार, पिछले तीन दिनों से मैंने उसे जॉगिंग करते हुए यहीं पे देखा है, आएगी कैसे नहीं। अरे देखा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आज आएगी। एक काम करते हैं यार, चलो एक नींद मार लेते हैं। अबे ठहर ना यार, अरे वो आएगी कैसे नहीं, मॉडल 99 समझा। लगातार शर्त आज नहीं आएगी। कितने की? हाँ लगे बिलू। देख लगता है तेरी मॉडल 1999 आ गई है बाप, देख जरा उधर को। अबे छोटे यही है ये। हाँ? चल निकाल, हजार रुपए निकाल, निकाल हजार रुपए निकाल। दे दूंगा यार, पहले उसके खुद। क्या बात है यार, लगता है भाई आज की क्लास खत्म, दूसरी क्लास कल सुबह। निशा, हाँ? ये क्या है निशा? क्या हुआ दीदी? मैंने तुम्हें मना किया है ना इस तरह के छोटे कपड़े पहनने के लिए? ओ दीदी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। मैंने आपसे कहा है ना, मैं इस ड्रेस में काफी कंफर्टेबल फील करती हूँ जॉगिंग करने में। तो मेरे ख्याल से बिना कपड़ों में ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगी। ओह मेरी वकील दीदी, आप तो दलीलें पेश करने लगी, कुछ दलीलें अदालत के लिए भी तो रखो। तो इसका मतलब है कि तुम नहीं मानोगी? नहीं मानने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है, वकीलों से तो हर कोई डरता है, कहीं अदालत में खींच लिया तो। अच्छा मैं जाती हूँ। अरे रुक तो जा, प्रसाद तो ले दी जा। जाओ
बॉब, तू किसके लिए काम करता है? बॉब, मैं किसी के लिए काम नहीं करता। बॉब कौन है? बॉब मुझे नहीं मालूम। तू किसके साथ काम करता है? बॉब, 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 मुझे। हेलो इंस्पेक्टर, आई एम स्पीकिंग। इंस्पेक्टर उसे छोड़ दो। किसे छोड़ दूं? जिसे तुमने गिरफ्तार किया है। आप उसके क्या लगते हैं? बहस मत करो, उसे छोड़ दो वरना तुम्हारी वर्दी उतरवा लूंगा। एक बार उस आदमी के हलक में हाथ डाल के सारी सच्चाई उगलवा लूं, फिर देखना ये जनता तेरी कुर्सी कैसे छुड़वा लेती है।